आइए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी जो बहुत ही जायकेदार बहुत ही मजेदार होती है। आप इसको ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए। इसमें जो सामान लगेगा वो है तकरीबन 3 बड़े प्याज की डल्ली, इतने ही टमाटर और 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा बघार के लिए जीरा, गार्निश के लिए हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च लगेगी इसमें, और जायके के अनुसार नमक और थोड़ी सी शक्कर। तो अब हम टमाटर की चटनी शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग गैस पे सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे तेल, तेल गरम होने दे रहे हैं, देखिए तेल गरम हो गया। और इसमें हम लोग डालेंगे जीरा, तो जीरा को तड़का डालेंगे हम लोग, फ्रेंड्स ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसको आप दाल चावल के साथ, पराठों के साथ, उसके साथ बहुत जायकेदार लगती है, आप इसको जरूर खाइए और अपने दोस्तों को खाइए। अब हम डालेंगे प्याज, अभी हमारी प्याज गुलाबी हो गई। अब इसमें हम डालेंगे मिर्च, कुटी हुई मिर्च लेना सर, बहुत अच्छी चटनी बनती है। इसमें आप कुटी हुई मिर्च लीजिए और नमक, हरी मिर्च, और थोड़ा सा हम इसको दो चार चलाएंगे और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स हम इसमें शक्कर बाद में ऐड करेंगे तो हमारी टमाटर पूरी तरह बच जाएगी। अच्छे से मिक्स करके हम लोग अच्छे से मिक्स करके इसको हम थोड़ी धीमी आंच पर ढाक कर गलने के लिए छोड़ देंगे। ओके देखिए, अब हमारे टमाटर पूरी तरह से अच्छे से गल गए। इसको हमने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहे थे। अब देख लीजिए जब ये पूरी तरह से गल जाए तो इसमें आप डालिए शक्कर, डाल के थोड़ा सा हिलाइए, इसमें एक कीजिए थोड़ा हरा धनिया, हरा धनिया हो गया, इसको कीजिए बंद। ये हमारी टमाटर की चटनी पूरी तरह तैयार है। आप अगर मीठा पसंद नहीं करते तो आप शक्कर मत डालिए, वरना हल्का सा मिठास, खट्टा मीठा अच्छा भी लगता है। और देखिए हमारी चटनी पूरी तरह से तैयार है। इसको कीजिए हरे धनिया से थोड़ा सा गार्निश, तो ये देखिए अब हमारे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी एकदम से तैयार है। आप चाहे तो पराठे के साथ, चाहे दाल इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, और अपने फैमिली को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और इसका जायका बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों सब
शेयर कीजिए और प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू।